जान तमन्ना किधर जा रही हो। আজি মই এইয়া মোৰ হিন্দী চিনেমাৰ স্বর্ণযুগ লৈ পেলাই সোমাইছোহি। এইমাত্র 100 বছৰ হবলৈ লোৱা 15 এপ্ৰিলত 2022 চনৰ 15 এপ্ৰিলত 100 বছৰ হ'ব সেইজন গীতিকাৰ যিজনৰ কলমত ওলাইছিল জিয়া বেকাৰাৰ হে চাহি বাহাৰ হে আজা মোৰে বাল মা তেৰা ইন্তজাৰ হে। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ সেয়া আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনত আকৌ আমাৰ সময়ত ওলালে চুন চাইবা চুন প্যাৰে কি ধুন। চাওকচোন কেনেকুৱা সুমধুৰ সংগীতৰ যিজনে কি বুলি ক'ম, এজন বাছ কণ্ডাক্টৰৰ পৰা হ'ল গৈ এজন কিংবদন্তী গীতিকাৰ হসৰত জয়পুৰী। আজি মোৰ পৰম সৌভাগ্য, আজি 2 বছৰৰ আগতে মই এইখন ঘৰলৈ আহিছিলোঁ 16 ফেব্ৰুৱাৰী। তেতিয়া মই তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আফটাৰ জয়পুৰী ছাৰক লগ পালোঁ। ছাৰে মোক ইমান সহায় কৰিলে তেতিয়া মই ইয়াত 17 জনৰ ভিতৰত হসৰত সাহাবৰ বিষয়ে লিখিবলৈ মই ইমান ভাল পালোঁ। বহুতো সৰু কথা, আমি নজনা কথা, তেখেতৰ জীৱনৰ সুখ দুখ, কিমান উত্থান পতন, কিমানখিনি যে আমি জানিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। এইয়া চাওক আফটাৰ জয়পুৰী ছাৰ, আৰু মই তেখেতক এতিয়া 100 বছৰৰ এই স্মৃতি লৈ তেখেতৰ সোঁৱৰণত, হসৰত চাহাবৰ সোঁৱৰণত এইখন কিতাপ আজি মই উপহাৰ হিচাপে তেখেতক দিবলৈ আহিছোঁ। ছাৰ নমস্তে। আজি আৰু এটা এই খোজকাঢ়ি চোলা ছাৰ, কাল ছাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বন গে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন ছাৰ। ये आपने दिया था, आपने मुझे इतना मदद किया नहीं तो मुमकिन नहीं था। हसरत साहब के बारे में लिखने के लिए इतना आपने हेल्प किया, इतना मदद किया, नहीं तो मेरे लिए से आई हैं, मेहनत कर रही हैं, जरूर मेरा फर्ज बनता है आपके मदद करने के लिए। और सर एक बात है, असम के लोगों के दिल दिमाग सब में ये हसरत साहब का बहुत ये है। अभी भी लोग कितना चाहते हैं उनके गीत, और अभी तो 100 साल कंप्लीट होंगे, तो इसमें आप कुछ बोलिए सर। अभी ये साल डैडी की पैदाइश 1922 की है, तो ये 2022 में उनके 100 ईयर्स स्टार्ट होते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम फाइनलाइज हुए हैं और ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट अप्रैल तक, जब तक वो 100th ईयर कंप्लीट नहीं होता है। ये बुक बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें शायद उस ज़माने गोल्डन एरा के दिग्गज कलाकारों के बारे में लिखा हुआ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर ख़रीदें, इसको शौक़ से पढ़िए। इतनी डिटेल्ड हर आर्टिस्ट के बारे में शायद ही किसी और किताब में मिलेगी आपको। और डैडी के बारे में क्या बताऊं, जयपुर के पैदाइशी थे, लगन थी पोइट्री में और काम की तलाश में बॉम्बे आए। यहाँ नौकरी पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कैसे भी बस कंडक्टर बन गए। 8 साल तक उन्होंने काम किया बस कंडक्टर के तौर पे। शेर व शायरी फिर भी जारी रही उनकी, लेकिन बस के अंदर उनका था कि कोई अगर खूबसूरत लड़की चढ़ जाती तो उसका टिकट नहीं लिया करते थे। ये मैनेजमेंट को नहीं जमा, 8 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ा और फिर वो फुटपाथ पे उस वक्त पे मिट्टी के खिलौने बड़ा बिका करते थे। तो मिट्टी के खिलौने बेचते लिखते, उस वक्त एक प्रोग्राम, एक कवि सम्मेलन था जिसमें पृथ्वीराज साहब चीफ जज थे उधर, और ऐसा था इनाम कि अगर जो इस कवि सम्मेलन में फर्स्ट आएगा उसको बरसात पिक्चर, राज साहब उनके बेटे बना रहे थे, उसमें मौका मिलेगा गाना लिखने के लिए। डैडी ने एक पोइट्री लिखी मजदूर की लाश। एक मजदूर था जो डैडी के बाजू में सोया करता था, अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई और उसको उठाने वाला कोई नहीं था। इसको देखकर डैडी को दुख हुआ कि जो इंसान दुनिया का बोझ उठाता है खुद मरा है तो आज कोई उसको उठाने नहीं आ रहा है, और उन्होंने ये मजदूर की लाश पढ़ी, लिख दी उन्होंने ये पोइट्री उन्होंने पढ़ी, पृथ्वीराज साहब को बहुत पसंद आई, डैडी को सबसे पहला इनाम मिला और फिर तकदीर ने करवट लिया, तकदीर बदल गई।
राज साहब से मिले। राज साहब ने शंकर जयकिशन दो नए म्यूजिक डायरेक्टर थे उनसे मुलाकात करवाई। डैडी को कोई डमी वर्ड्स पे बोला कि आप लिख सकते हैं, डमी वर्ड सुनाए डैडी ने, इमीडिएट लिख दिया जी अब एक आ रहे छाई बाहर। बस उसके बाद बाहर छाई रही, कभी ख़त्म नहीं हुई और आज तक वो बाहर छाई हुई है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग हैं ना, लगन से इस किताब को लें, खरीदें और अपने फ्री टाइम के अंदर इसे ज़रूर पढ़ें, आपको ज़रूर आनंद आएगा, मज़ा आएगा। इसकी पब्लिकेशंस इंग्लिश और हिंदी में भी शुरुआत हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी इंडिया में छा जाएगा, लोग इसको पढ़ के अपना जो भी उनकी मालूमात करनी थी हर आर्टिस्ट के बारे में इस किताब के अंदर सब छुपी हुई है। तो कृपया आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए और पुराने ज़माने को हमेशा याद रखिए। और सर मुझे एक अभी याद आया, आपने बोले थे वही ना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को आज किसी का नज़र ना लगे, ये गाना आपके जन्म के टाइम में आपके पापा ने लिखे थे। आप मुझे बोले थे आप कल ग्रैंडफादर बन गए, इसलिए मुझे दिमाग में आया वही बातें, आप थोड़ा सा बोलिए ना। डैडी का क्या है ना, डैडी सिचुएशन पे तो लिख लेते थे मगर अपने उनको शौक था, लिखते रहते थे, कोई भी चीज़ दिख जाए वो अपनी पोइट्री में लगे रहते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि फिल्मी गाना हो तो ही वो लिखेंगे। तो ससुराल पिक्चर में उन्हें एक गाना लिखना था हीरोइन के ऊपर, अब उस ज़माने में डैडी को शायद जची नहीं वो हीरोइन, बोले कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। तो जैकी शन साहब बोले कोशिश करो अपन कर सकते हो, अपने रिकॉर्डिंग रूम में थे, सिटिंग रूम था उनका गोपिन महल में। तो तभी डैडी को न्यूज़ मिली कि मेरी पैदाइश हुई है, तो जगेश अंकल बोले चल भाई असद मियाँ अपन जाके उनको देख, बच्चे को देख के आते हैं। तो ये हॉस्पिटल में आए तो मुझे देखते ही डैडी के मुंह से निकला चश्मे बद्दू। तो जय किशन अंकल ने पूछा असद मियाँ ये चश्मे बद्दू के मायने क्या हो, उन्होंने कहा अल्लाह इसको हर बुरी नज़र से बचाए, इसको कभी नज़र ना लगे। तो जगेशन अंकल बोले असद मियाँ फिर इसी पे लिख दो ना गाना, इसको समझ लो ये हीरोइन है, इसको ऊपर लिख दो। और ये गाना फिर लिखा गया तेरी प्यारी प्यारी सूरत। हाँ कभी कभी फारसी वर्ड लिखते थे ना, कभी कभी फारसी वर्ड, ने बहुत सारे पर्शियन वर्ड यूज किए, चश्मे बद्दूर, गुस्ताखी माँ, उफ्युम्मा, बहुत फ्रेजेज और इडियम्स यूज किए हुए हैं। डैडी के फिल्म के टाइटल सॉन्ग्स ही वॉज फेमस फॉर दैट, बहुत सारी पिक्चरों के टाइटल सॉन्ग्स लिखे हैं। ही हैज वर्कड विथ अराउंड 74 म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक गोल्डन एरिया का रिकॉर्ड है, किसी ने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया है। रफ़ी साहब के साथ बहुत अच्छी जोड़ी थी, आफ्टर मजरू सुल्तानपुरी साहब के बाद रफ़ी साहब के साथ सबसे ज़्यादा गाने डैडी के हैं। बहुत सारे सिंगर्स के सी हैं, 80+ सिंगर्स हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। तो रिकॉर्ड फैंटास्टिक है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनका यह है कि जब बीबीसी ने बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम का प्रपोजल डाला था और सबको इनवाइट किया था, उसमें डैडी का गाना बहारो फूल बरसाओ वाज वोटेड एज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम। कोई आदमी, कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत हुनरमंद, बहुत डाउन टू अर्थ, सबसे बड़ी बात है डाउन टू अर्थ इंसान था ये। हर किसी को मिला वो, हर किसी को मिला, किसी को ऐसे खाली हाथ जाने नहीं दिया। ये सीख अभी सर ये ना न्यू जनरेशन को ये बात सोचना चाहिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ ये वर्ड बहुत बड़ा है, हाँ वो मायने बहुत बड़ा है, इसीलिए इनको। और सर ये भी है ना, आजकल बच्चे का लगन मेहनत ना हार्ड वर्किंग बहुत चाहिए ना, हार्ड वर्किंग फिर और पेशेंस ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है और कुछ पाने के लिए थोड़ा पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके तो फादर का मतलब हसरत साहब को आपने देखा कितना पेशेंस, कितना हार्ड वर्किंग, लगन ना, ये हम लोग का न्यू जनरेशन को यही चाहिए ना अभी। और डाउन टू अर्थ उस वक्त क्या है ना, काम पैशन था, टुडे काम पैशन नहीं है। जितनी पिक्चरें अंदर झोली में ले सकते ले लेते हैं, पैसा आना चाहिए, पहले पैसे की इतनी वो नहीं थी। आप
जानकर हैरान रहेंगे कि डैडी ने गीत गाया पत्थरों में, जो वी शांताराम जी की पिक्चर थी, उस वक्त के दिग्गज कलाकार थे। डैडी ने उनके सब गाने 8 या 9 गाने सिर्फ 1 रुपये में लिखे हैं। उनका ये था कि मुझे आपका बैनर चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका बैनर मुझे हिट करेगा ऑटोमेटिक मुझे पैसा आ जाएगा। ये लगन थी उस टाइम, और उस टाइम का काम का माहौल ही अलग था। सब साथ में बैठते थे, स्टोरी डिस्कस होती थी, सिटिंग्स होती थी, महीनों महीनों लगते थे एक गानों को। आज के दिन वो नहीं है। आज तो बोलते हैं लाभ कुछ भी समझो, हीरो हीरोइन भाग रहे एक दूसरे के पीछे, आप लिख दो कुछ भी गाना, हम लिख लें, कोई मायने नहीं है। सिचुएशन भी सिचुएशन कुछ नहीं है, सिचुएशन कुछ नहीं है, और स्टोरी भी थोड़ा अलग हो गया। उस जमाने इमोशंस नहीं है, स्टोरीज उस जमाने की कुछ अलग थी। आज की तो कोई स्टोरी नहीं, सर पैर ही नहीं होता किसी पिक्चर का। तो सबने सब दिग्गज कलाकारों ने एक से एक काम किया, चाहे वो डैडी हो, शैलेंद्र जी हो, शकील बदायूनी जी हो, साहिर जी हो, एक से एक मजरू साहब हो, सबसे सब दिग्गज गीतकार थे। मगर कभी जेलेसी नहीं हुई कि इसको काट के इसको उड़ा दें, इसके टीम में घुस दें, कभी नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात रही उस वक्त की। क्योंकि शैलेंद्र साहब और हसरत साहब एक ही बैनर में, आर के बैनर में, लेकिन दोनों कितना मतलब ये ना बड़ी हस्ती थे। क्योंकि एक तो कवि और एक ना उर्दू कवि और एक शायर भी है, तो दोनों के बीच में इतना मतलब ताल मिला, इतना प्रेम था। हाँ, ये सब मिला के मैं सर अपने टीम वर्क होती है, ये एक इंडिविजुअल आदमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, टीम वर्क होना चाहिए। गाना अच्छा होना चाहिए तो सिंगर बेहतरीन होना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर फर्स्ट क्लास होना तो ही निकलता है एक सुपरहिट गाना। और एक बदन पे सितारे, वो तो अभी तक अभी रियलिटी शो में जिधर भी आप जाए ना, बदन पे सितारे लपेटे हुए। हम भी जब भी कोई शो में जाते हैं, जब ये गाना बजता है ना, तो लोग सीट से उठ के नाचते हैं। इतना पेपी गाना बना है ये भी सिचुएशन नहीं है, बस ऑन द स्पॉट डैडी जगकिशन जी उधर अंडरग्राउंड शो था, उसमें एक लड़की आके और कॉइन टाइप ड्रेस पहनी हुई थी, और डैडी ने उसको एक झलक देखी तो जगकिशन जी ने कहा कुछ लिखो तो सही, तो तब लिखा गया था बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया तो पढ़ कर तुम नाराज ना होना, तुम मेरी जिंदगी हो, लगता है मुझे एक अनुभव है, मैं लिखी हूँ इसमें बहुत सारा तो है, इंग्लिश वर्जन जब लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, इंग्लिश वर्जन आएगा ना तो सबको क्लियर समझ आएगा आपने कितनी मेहनत की है। हाँ हाँ हाँ, मेहनत भी की, और आप लोग सबसे बड़ी बात है आप लोगों से इतना कुछ मिला, यशवीर मैम, आप, जावेद सर, बदानी सब ने बहुत, यही अच्छा लगता है आप लोग का इतना कोऑपरेशन मिला, कोई थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द हार्ड वर्क आपने किया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये बुक ज़रूर इंडिया में नहीं दुनिया भर में फैलेगी, और लोग इसको पढ़ के ना जिंदगी का मज़ा लूटेंगे। सही हो।